गाइस, अगर आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो पे आए हैं ना, तो भाई साहब वही होने वाला है। मिल्टा पावर के सबसे हाईएस्ट टावर पे कैसे चढ़ना है अब तक कोई नहीं जानता, लेकिन आपके भाई ने उसे भी पॉसिबल कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों क्या है, अब कुछ बंदे मेरी वीडियोस को कॉपी भी करने लग गए हैं, तो प्लीज़ यार अभी के लिए मेरी वीडियो को कॉपी ना करें, मुझे दिक्कत हो रही है। मैं आपको अगर चाहूँ तो स्ट्राइक भी दे सकता हूँ, बाद में जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तब आप मेरी वीडियो को कॉपी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली ट्रिक हमारी काम कर रही है टेक सेंटर में, जो कि स्कूल के पास है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर ना अचानक से बंदे आप पर रश करने लगते हैं और आप यहाँ पर बैठ के इसको हार्ड स्कोप लगा के बैठे रहते हो, पर आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पर आके बस यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पर जंप लगाना है, और जंप लगाने के बाद ना कोई भी एनिमी नहीं सोचेगा कि यहाँ पर भी कोई कैंप करके बैठा हो सकता है। दोस्तों इस ट्रिक को भाई ज़रूर से ट्राई करना। इस ट्रिक की मदद से मैंने बहुत बार स्क्वाड भी वाइप की है। अगर आप यहां से FPP भी स्विच करते हो ना, तो आपको एक काफ़ी अच्छा एंगल मिल जाता है अपने एनिमी को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करना अगर आप यहां पे टेक सेंटर में आते हो। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट ट्रिक की, जिसका आप वेट कर रहे थे। इस अगली ट्रिक में ना आपको एक मोटर ग्लाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको मिल्टा पावर की जो पीछे वाली पहाड़ी है वहाँ पर मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आजू बाजू के आप रोड में इससे फाइंड कर सकते हैं, आपको बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इस मोटर ग्लाइडर को आपको काफ़ी ऊंचा उड़ाना है, तब भी ये ट्रिक आपके काम करेगी। अब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे आपको उसको ले जाना है। अब ले जाने के बाद आपको धीरे धीरे एस्केंड के बटन पर आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसके पास पहुंचने वाले होंगे, तो आपको एकदम से एस्केंड के बटन पर दबा के रखना है, और लीजिए गाइस आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आके ना मतलब आपको एक हैकर वाला भाई फीलिंग आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जब आप यहाँ ऊपर रहते नीचे वाले बंदे को फोड़ोगे ना, तब वो सोचेंगे कि यार ये मतलब इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ गया, ये कोई हैकर वैकर है। दोस्तों पर याद रखना, ये मैंने वीडियो ना कहीं से भी कॉपी नहीं की है। इस वीडियो के सबसे नीचे आप देख सकते हो कि डेट अभी 23 तारीख की बता रहा है, और ये वीडियो मैं 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि एक दिन पहले की ये डेट बताता है। और भाई मैं लिख के दे सकता हूँ किसी भी यूट्यूबर ने ना अब तक ये वाली ट्रिक ना बिल्कुल भी फाइंड नहीं की है, और ये सिर्फ ट्रिक आपको मेरे ही चैनल पर मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक फाइंड करने के लिए ना कसम से यार मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ यार आज इस वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हो और कोई भी लाइक नहीं करते, कोई भी कमेंट नहीं करते। लेकिन दोस्तों आज यार लेकिन आज के लिए प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक मतलब कैसी लगी, और आप यहाँ पर जब आ जाओगे आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कैंपिंग करोगे या फिर आप रैंक पुश करोगे, प्लीज़ यार आज कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यार तूने बता तो दिया यहाँ पर ऊपर चढ़ते कैसे हैं, अब नीचे भी जाने के लिए आपको मैं बताता हूँ। अगर आप दोस्तों चाहो यहाँ पर भी आके यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हो। अब नीचे जाने के लिए भाई साहब अगर आप सोलो में हो ठीक है, अगर तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हील भी चाहिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर जंप करना है, यहाँ पर जंप करने के बाद अब आपको सीधा यहाँ पर जंप करना है, तो देख सकते हो आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगी, तो इसलिए आपके पास हीलिंग का सामान भी होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है येलो कलर का, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आके होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एनिमी जब इसके अंदर आएगा ना, तो अंदर आने के बाद आप उसे आराम से मार सकते हो और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और दोस्तों अगर आप अपने टीममेट्स के साथ यहाँ तो आप सीधे ऊपर से नीचे छलांग लगा सकते हो, क्योंकि जब आप नॉकआउट हो जाओगे तो आपका टीममेट आपको सीधा रिवाइव दे देगा और आपका काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी है ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अब हम नेक्स्ट ट्रिक में आपको करना क्या है, पोचिंकी की बैक साइड जहाँ पर स्क्वाड हाउस आपको मिलता है, आपको बस वहाँ पे आपको आना है। आने के बाद अब आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक टाइम पे दीवार हुआ करती थी, लेकिन अब आप यहाँ पे दीवार नहीं है। जब आप इसके अंदर आ जाओगे ना, तो ध्यान रखना आप इसके बाहर नहीं जा सकते ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि बाहर से आपको कोई भी एनिमी बाहर से आपको अंदर की ओर शूट कर सकता है। इस वक्त मेरे को बोट शूट कर रहा था ठीक है, तो मैंने अब जल्दी जल्दी अपने टीममेट को बुलाया। अब मेरे टीममेट ने क्या किया, अब आप यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हो, आप अपने टीममेट को बोलो कि तू गाड़ी ना थोड़ी सी मतलब पास ले आ। तो जैसे ही आपको गेट इन या ड्राइव का आपको ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इजीली निकल जाओगे। दोस्तों यार आप ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो प्लीज़ यार इसे वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। आप लोग यार सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, कमेंट और लाइक आप नहीं करते। प्लीज़ यार अगर चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों ये कुछ वीडियोस हैं जो मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए, इनमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।